जब हम किसी चीज़ को थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ तो मुड़ के वो वापस क्यों आती है, जब हम जंप करते हैं तो वापस क्यों पलट आते हैं, बारिश बादलों से नीचे की तरफ क्यों बरसती है, इन सारे सवालात के जवाब मिलेंगे आपको आज की वीडियो में। क्योंकि बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 दैट इज ग्रेविटेशन। जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी से कर लें इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ग्रेविटेशन। चैप्टर नंबर 5 का नाम है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन का मतलब है अट्रैक्शन, बॉडीज के दरमियान अट्रैक्शन, मैसेस के दरमियान अट्रैक्शन, प्लैनेट्स के दरमियान अट्रैक्शन, मून और अर्थ के दरमियान अट्रैक्शन, सन और अर्थ के दरमियान अट्रैक्शन। तो बच्चों 1665 के अंदर एक साइंसदान जिसका नाम सर आइजक न्यूटन था, उन्होंने अपने गार्डन के अंदर जहां बैठे सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे कि प्लैनेट्स सन के गिर्द क्यों रिवॉल्व करते हैं, कि जो प्लैनेट्स हैं 9 प्लैनेट्स हम जानते हैं वो सूरज के गिर्द क्यों रिवॉल्व करते हैं। जब वो इसके मुतालिक सोच रहे थे तो उन्हीं उनके करीब ही एक दरख्त से एक सेब नीचे गिरा, एप्पल फेल, एक सेब गिरा। हम में से कोई होता तो उठा के वो सेब खा लेता, लेकिन उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि सेब नीचे ही क्यों गिरा है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, कौन सी ऐसी कुव्वत है जिसने सेब को नीचे की तरफ खींचा। तो इस पर जब उन्होंने मजीद वर्क किया तो उनके जहन में जो आइडिया आया वो आइडिया, उस आइडिया की बेसिस पे ना सिर्फ उन्होंने ये बताया कि वाई प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन, बल्कि ये भी बताया कि हमारा वेट क्यों है, हमें अर्थ क्यों खींच रही है, बल्कि ये भी बताया कि चांद जमीन के गिर्द क्यों रिवॉल्व कर रहा है। इन सारे सवालात के जवाब सर आइजक न्यूटन ने दिए। और वो ख्याल कब आया था, जब उन्होंने सेब को नीचे गिरते हुए देखा। बच्चों बात करते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की। अपनी ऑब्जर्वेशन से न्यूटन ने, जो सर आइजक न्यूटन ने अपनी ऑब्जर्वेशन की इन सारी चीज़ों के मुतालिक, उन्होंने ना सिर्फ इन सारे सवालात के जवाब दिए बल्कि एक कानून दे दिया जो कि सारे मैसेज पे वैलिड है, सारी बॉडीज पे वैलिड है। वो लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो लॉ हमें इनेबल करता है कि हम आसानी से कैलकुलेट कर सकें अगर दो मैसेज करीब पड़े हैं, दूर पड़े हैं, प्लैनेट्स करीब हैं, दूर हैं, सूरज है, जमीन है, सूरज है, चांद है, जमीन है, चांद है, इनके दरमियान फोर्स मालूम करनी है तो हम आसानी से न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए उसकी स्टेटमेंट जानते हैं। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने ये कहा, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। कायनात की हर एक चीज दूसरी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, एक दूसरे को तो दूसरी पहले को, विद अ फोर्स, एक फोर्स के साथ विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। वो फोर्स उन बॉडीज के मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर मैसेज, जबकि वही फोर्स उन मैसेज के दरमियान फासले के स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आइए इसे समझते हैं। फर्ज कीजिए आपके पास दो मैसेज हैं, एक मैस ये है, एक मैस थोड़े फासले पे है। मैं जानना चाहता हूं आया इनके दरमियान किसी किस्म की कोई फोर्स मौजूद है, वैसे तो महसूस नहीं हो रही ना, मुझे एक तरफ आते नज़र आ रहे हैं, दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या इनके दरमियान फोर्स मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। फ़र्ज़ कीजिए इनके सेंटर्स को आपस में, ये आप जान लीजिए ये इनके दरमियान फासला है, सेंटर से इनका फासला अगर आप देखें तो वो फासला है हमारे पास डी, डिस्टेंस बिटवीन दीज मैसेज, एम वन इसका मैस, एम टू इसका मैस। अब गौर करिए हर क्या लिखा हुआ है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स, हर बॉडी दूसरी बॉडी को ट्रैक करती है। अगर इसको ये ट्रैक करेगा तो इसको ये ट्रैक करेगा, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये फोर्स हमें महसूस नहीं हो रही होती क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत थोड़ी है। क्यों थोड़ी है, सारे सवाल के जवाब आपको मिलेंगे। देखिए ये फोर्स एक दूसरे पर एग्जर्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर मैं यहाँ से मैथमेटिकल रिलेशन लिखूँ तो क्या है, द फोर्स बिटवीन टू मैसेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, उनके मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यही फोर्स उनके दरमियान मौजूद फासले के स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फासला जितना बढ़ाते चले जाओगे फोर्स उतनी कम होती चली जाएगी, और फासला जितना कम करते जाओगे, दो बॉडीज को जितना करीब लेते आओगे उतनी उनके दरमियान फोर्स ज्यादा होगी। जैसे रिलेशंस कितने स्ट्रांग कैसे होते हैं, अगर तो रिलेटिव्स करीब करीब रहते हैं तो ताल्लुक बड़ा तगड़ा है, कोई लड़ाई कोई झगड़ा होगा भाई, मिल बैठेंगे सारे इकट्ठे
हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके रिलेटिव्स दूर दूर हैं, कभी कभार बात होती है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लव की फोर्स बहुत कम है। ऐसे ही मिसाल दे रहा हूँ, इस तरह से मैसेज जब करीब पड़े हैं तो इनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स मैसिव है, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैस ऑफ फर्स्ट मैस ऑफ सेकेंड, प्रोडक्ट है दोनों का। जबकि इनके दरमियान फासले के स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फासला बढ़ता जाएगा, फोर्स ऑफ लव, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती चली जाएगी, फासला कम होता चला जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मैसेज ज़्यादा 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 होती चली जाएगी। याद रखिए, ये हमेशा अट्रैक्शन होती है, रिपल्शन नहीं होती, लेकिन हमें महसूस नहीं हुई कभी। तो अगर मैं इस इक्वेशन को एक्यूमुलेट करूँ, इकट्ठा करूँ, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, प्रोपोर्शनलिटी एम वन एम टू ओवर डी स्केयर, फोर्स वन टाइम, प्रोपोर्शनलिटी वन टाइम, एम वन एम टू, और बटे में अगर इसे पढ़ेंगे वही मतलब है जो अलहदा अलहदा पढ़ने का है। द फोर्स बिटवीन टू मैसेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर मैसेज, दोनों मैसेज के फासले के स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और दोनों मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स है। ये इक्वेशन नंबर थ्री बन गई। अगर बच्चों प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म किया जाए, तो हम जानते हैं जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म होता है तो उसकी जगह एक कांस्टेंट आता है, ये कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म हो गया, उसकी जगह ये कांस्टेंट आया। ये कांस्टेंट सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था सर आइजैक न्यूटन ने, और उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की थी इस कांस्टेंट की। वैल्यू हर जगह सेम होती है, चाहे ज़मीन पे मालूम करें, स्पेस में मालूम करें, पहाड़ों पे मालूम करें, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। उसके बाद जो मुख्तलिफ साइंसदानों ने, एक इंग्लिश साइंसदान था जिसने इसकी वैल्यू बाकायदा से एक्सपेरिमेंटली मालूम की, तो काफ़ी नियर बाय आई जो सर आइजैक न्यूटन ने बताई थी, और इसकी वैल्यू है 6.673 × 10⁻⁻⁹ मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये बहुत स्मॉल वैल्यू कैरी करता है, देखिए 10⁻⁻, और हर जगह इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, सेम है। ये स्मॉल जी की तरह नहीं है जिसकी वैल्यू प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं है, ये ग्रेविटेशनल, ये जो कैपिटल जी है दैट इज ग्रेविटेशनल टेशनल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू हर जगह स्पेस में, मून पे, ज़मीन पे, मार्स पे, हर जगह इसकी वैल्यू यही है, 6.67 × 10⁻¹⁹ न्यूटन मीटर स्केयर पर किलोग्राम स्केयर। ये आपके पास आ गया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो हमें बताता है कि दो मैसेज के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, रिपल्शन तो है ही नहीं, अट्रैक्शन है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मैसेज। इसी फोर्स की बेस पे हम ये जानते हैं कि मैसेज छोटे हों, बड़े हों, बड़े हों, दोनों ही बड़े हों तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। आपने कभी महसूस किया, आपने गौर किया होगा कि ज़मीन हमें अपने आप से परे हटने नहीं देती, क्योंकि ज़मीन हम पे एक मैसिव फोर्स लगा रही है जिसकी वजह से हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं। ज़मीन के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो लाए क्यों कर रही हैं, कि ज़मीन एक मैसिव बॉडी है और मैसिव बॉडी के पास मैसिव फोर्स होगी, और हम उसके मुकाबले में बहुत टाइनी 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 छोटे छोटे मैसेज हैं, हमारी फोर्स उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, वो हम पे बहुत मैसिव फोर्स लगा रही है। ये अर्थ है और ये हम इस पे खड़े हैं, ज़मीन मैसिव बॉडी है, इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से हम इससे अलहदा नहीं हो पाते। कोशिश तो करते हैं लेकिन इससे दूर हट पाते नहीं हैं, क्योंकि ज़मीन एक मैसिव बॉडी है और मैसिव बॉडी के पास मैसिव फोर्स होती है, जिस वजह से इसने हमें पकड़ के रखा हुआ है, और वो फोर्स कितनी है, जी एम वन एम टू ओवर डी स्केयर। दिस इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मी एंड अर्थ, डिफरेंट थिंग्स एंड अर्थ। इसी तरह से चाँद पर जाएंगे तो चाँद हम पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, वो उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी। अगर आप मार्स पर चले जाएं तो मार्स हम पे एक फोर्स लगाएगा, वो मार्स की फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी। कशिश की फोर्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। सो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का कांसेप्ट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की मैं बात कर रहा था। सो ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने कैलकुलेट की, और ये कैलकुलेशन कैलकुलेटेड वैल्यू हर जगह के लिए है, ये कांस्टेंट है। बाद में एक इंग्लिश फिजिसिस्ट ने कैलकुलेशन की और वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की, एक्सपेरिमेंट करके 100-125 साल बाद जो रिजल्ट आया वो ऑलमोस्ट वही था जो कि न्यूटन ने मैथमेटिकली लिखा था, यही आपके पास आंसर आया। और यही फोर्स है जिसकी वजह से हम ये जानते हैं कि बॉडीज एक दूसरे को क्यों अट्रैक्ट करी हैं, एक दूसरे से परे क्यों नहीं हट पाती। लेकिन देखिए ज़रा, क्या आपने महसूस किया है कि आपका भाई आपके करीब खड़ा हो, दोस्त आपके करीब खड़ा हो, तो उसको वो आपको अपनी तरफ खींच रहा हो, आप उसे अपनी तरफ खींच रहे हो? नहीं, क्योंकि आपके मैसेज बहुत टाइनी हैं, बहुत छोटे छोटे मैसेज हैं, इन छोटे छोटे मैसेज होने की वजह से ये फोर्स महसूस नहीं हुई कभी। मैसेज छोटे होंगे, मैसेज छोटे छोटे होंगे तो फोर्स थोड़ी होगी, चाहे
चाहे फासला कितना ही थोड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर एक बॉडी मैसिव होगी दूसरी छोटी होगी तो वाजिया तौर पे उसकी फोर्स नजर आएगी। इसलिए किलोमीटर्स दूर जमीन से चले जाएं, जो भी चीज फेंकेंगे वो भागती हुई किस तरफ आएगी, अर्थ की तरफ, क्योंकि अर्थ की फोर्स दूर तक फैली हुई है और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है जिसकी वजह से वो चीजों को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। अगर मैं कोई सिंपल सी मिसाल से आपको इस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का कांसेप्ट देना चाहूं और एग्जांपल देना चाहूं तो इस तरह से फर्ज कीजिए आपके पास दो मैसेज हैं, एक एक किलो के दो मैसेज हैं, इतने इतने मैसेज हैं, आप जानना चाहते हैं इनके दरमियान कितनी फोर्स है, तो रिजल्ट बहुत छोटा आएगा, बहुत थोड़ी फोर्स आएगी। आइए कैलकुलेट करके देख लेते हैं। मैसेज की जगह, जी की जगह तो आप 6.67 जितने मर्जी मैसेज हों यही पुट किया करेंगे, मैस 1 kg, दूसरा भी मैस 1 kg, और फासला फर्ज कीजिए आपने उन मैसेज के दरमियान 1 meter रखा है। आपसे किसी ने कहा बताइए 1 kg और 1 kg के दरमियान कितनी फोर्स है, करीब करीब पड़े मैस है कितनी फोर्स है, और डिस्टेंस का ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, जब आप करेंगे तो 1 1 1 मल्टीप्लाई डिवाइड हो एक ही बात है, तो फोर्स का रिजल्ट आ गया 6.673 × 10⁻¹⁹ N। अब आप खुद गौर करें 10⁻¹⁹, और −11 का मतलब है कि ये नीचे जाके 10⁻¹⁹ बन जाएगा, 6.673 को 10⁻¹⁹ रेंज 3 3 6 3 9 2 11 जीरो से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 0.00000006673। अब खुद नोट कीजिए इतनी थोड़ी फोर्स आएगी 1 1 kg मैसेज के दरमियान, 2 2 kg करके देख लीजिए, 5 5 kg करके देख, लेकिन जब आप कैलकुलेट करेंगे फोर्स बिटवीन मी एंड अर्थ, यू एंड अर्थ, तो आंसर मैसिव आएगा, मतलब जमीन और आपके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मैसिव है, क्योंकि एक तरफ जमीन बहुत बड़े मैस सकती है, और कैलकुलेट भी करेंगे इसी यूनिट के अंदर, दूसरी तरफ हमारा मैस छोटा भी हो फिर भी हमें फोर्स महसूस होगी और मैसिव फोर्स महसूस होगी, लेकिन दोनों ही मैसिव अगर छोटे होंगे फोर्स बड़ी थोड़ी होगी, दोनों मैसिव बड़े होंगे तो फोर्स बहुत बड़ी होगी, वो एक तरफ भागते हुए एक दूसरे की तरफ आएंगे। इसी बेसिस पे जो चांद है वो हमारे गिर्द घूम रहा है, क्योंकि हम मैसिव बॉडी हैं, मैसिव बॉडी होने की वजह से हमने उसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से बांधा हुआ है, ना वो चांद जमीन पर गिर पाता है बल्कि इसकी पूजा कर रहा है चांद जमीन के गिर्द घूम। इसी फोर्स की वजह से जितने भी प्लैनेट्स हैं वो किसके गिर्द घूम रहे हैं, सूरज के गिर्द, सूरज के पास, सूरज मैसिव बॉडी है बाकी प्लैनेट्स की निस्बत, तो बाकी बॉडीज ना उसकी तरफ उसमें गिर रही हैं, अल्लाह ताला ने उनको एक मदारों के अंदर बांध दिया है उसी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से, जैसे धागे के साथ पत्थर बांध के घुमाएं तो पत्थर सर्कल में घूमता चला जाएगा, इसी तरह से धागा तो नहीं है लेकिन वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है जिसकी वजह से प्लैनेट्स सूरज के गिर्द लगे हुए हैं चक्कर में, और इस तरह से चांद लगा हुआ चक्कर में जमीन के गिर्द, वो सारी की सारी फोर्सेज हैं फोर्सेज ऑफ ग्रेविटेशन जिनका आइडिया सर आइज़क न्यूटन ने दिया। तो ये 5 चीजें हमने इसमें कवर की, सर आइज़क न्यूटन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किस इन चीजों के इनेबल करती है हमें, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है उसकी डेरिवेशन की, फिर कांस्टेंट के मुतालिक मैंने आपको कांसेप्ट दिया, एग्जांपल्स दी और एग्जांपल से बताया कि ये दो छोटे छोटे मैसेज के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बहुत थोड़ी होती है, हमें महसूस तक नहीं होती, लेकिन दो मैसिव बॉडीज हों तो वाजिया तौर पर यह फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नजर आ रही है। इसलिए जब भी सेब गिरता है तो नीचे की तरफ सेब छोटा सा है, अर्थ बड़ी सी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अर्थ की ज्यादा है और नतीजा वो भागता हुआ नीचे की तरफ जाएगा, वरना सेब को चाहिए था अर्थ को अपनी तरफ खींच लेता, लेकिन सेब के पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन थोड़ी है क्योंकि मैस थोड़ा है, और नतीजा जमीन उसे अपनी तरफ भागती हुई लेके आएगी। ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने कवर किया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेरी फर्स्ट टॉपिक, लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की आपको क्लियर कट समझ आई होगी, फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर अपनी आरा से आगाह कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।